now I study the chemical bondings, parts, types. Covalent bond, chemical bonding में हमने पिछले क्लास में हम आपको जनरली आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का स्टडी कराया था, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। आज उस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का कोवेलेंट बॉन्ड पर हम विचार करेंगे, यानी डिस्कस का सेंटर होगा वह होगा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी टाइप ऑफ टू में मेरे पास होगा वह होगा कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग विचार करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट। हमने आपको बोला था कि आयनिक या इलेक्ट्रो बॉन्ड का फॉर्मेशन आम रूप से तब होती है जब एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है। हमने इसके पांच कंडीशन लगाए थे जनरल, लेकिन इसमें से दो कंडीशन आपको जरूर याद रखिएगा कि एक जो होगा वह इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो होगा वह जनरली इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। दूसरा कंडीशन हमने दिया था कि आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू लो होगा, लेकिन गेन ऑफ एंथैल्पी ये हाई होगा। पिछले दिन हमने भी बोला आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी कि कोई भी एटम लेना है, लेकिन वह जनरल एक चीज और भी ध्यान रखना है कि वह क्या एटम जो होगा वह जनरली गैसियस स्टेट में होगा, और उस एटम का लूजली एकदम हिंदी में बोला जाए तो शिथिल यानी एकदम कमजोर पैक इलेक्ट्रॉन जो होगा, लूजली पैक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा, और वहां से हमके वैलेंस ऑर्बिट से जनरल इलेक्ट्रॉन को हटाना है, और उस इलेक्ट्रॉन को हटाने में जितनी एनर्जी मुझे लगेगा वह जनरली उसकी कहलाएगा आयनाइजेशन ऑफ एन। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना कि मेटल का आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी लोएस्ट है, ठीक है। गेन ऑफ एंथैल्पी के हमने लिए आपको बताया कि गेन ऑफ एंथैल्पी में जनरली ये जनरली कोई इलेक्ट्रॉन जहां आएगा वह आम रूप से निगेटिव क्षेत्र होगा, और दूसरे रूप में यदि आने वाला इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होगा, यानी इसको हमको आम रूप से एटम को निगेटिव चेंज करना है, और यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये जनरली पॉजिटिव चेंज करना है, यानी केटाइन फॉर्मेट करना है, इसको एनायन फॉर्मेट करना है। एनायन फॉर्मेट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉप कराएंगे तो वहां आने वाला भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव, यहाँ एरिया भी निगेटिव, जिसका मतलब कि दोनों के बीच रिपल्सन शुरू होगी, और रिपल्सन में जितनी एनर्जी रिलीज होगा वह एनर्जी ऑफ अमाउंट को जनरली हम गेन ऑफ एंथैल्पी करते हैं। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, ये जब हाई किसी के पास होगा तो वह नॉन मेटल के पास होगा, किसके पास होगा नॉन मेटल के पास होगा। आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी हमेशा मेटल का लो होती है, और गेन ऑफ एंथैल्पी नॉन मेटल का हमेशा हाई होती है। इसलिए यहां कंडीशन याद रखना था, ये आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन है कि एक मेटल एक नॉन मेटल, दैट इज हमने कहा है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव जब भी होता है तो मेटल होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव जब भी होता है तो जनरली नॉन मेटल। दूसरा कंडीशन हमने आपको सत्र रखा था कि आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी एक का लो होनी चाहिए जबकि गेन ऑफ एंथैल्पी दूसरे का हाई होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कंडीशन हम बता रहे हैं कि लो एंथैल्पी मेजरमेंट जब भी होती है तो मेटल का होती है, हाई एंथैल्पी जब भी होती है तो जनरली नॉन मेटल के पास होती है। और वैसी हम अब यदि कोवेलेंट बॉन्ड की ओर चला जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होती है, जिसमें आपको एक बात भी याद दिला रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होती है, इंटरचेंजिंग होती है, वहां पर ट्रांसफर जब होती है और परफेक्टली ट्रांसफर होती है तो वहां पर आयन फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहां पर आम रूप से
इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, शेयर होगा और इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो इक्वल पार्ट में होगा और जनरली ऑर्बिट डायरेक्शन से होगा, यानी दोनों तरफ से शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह जनरली बराबर बराबर होगा। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों होगा, तो एक चीज याद रखना कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में वही पार्टिकल भाग लेते हैं जिनका गेन ऑफ एंथैल्पी हाई होती है और आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी भी हाई होती है। हाई होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन देने के कंडीशन में नहीं रहेंगे, आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी हाई होने के कारण इलेक्ट्रॉन देने के कंडीशन में नहीं रहेंगे। लेकिन यदि गेन ऑफ एंथैल्पी है हाई है तो लेने के कंडीशन में रहेंगे। और लेकिन इनके जितने भी पार्टिकल कंपोनेंट यानी जिस बॉन्डिंग एरिया में जो भी आएंगे वे सारे के सारे लेने के कंडीशन में होंगे, तो कोई तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो सभी एटम का पास है कि हम ऑक्टेट को ले लें, यानी ऑक्टेट का दैट इज एक स्टेबल ऑर्बिट जिसको हमने NH2NP6 नाम किया है, जहाँ पर N जो होगा वह वैलेंस ऑर्बिट होगा, N इक्वल टू 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और इसी तरह से N बराबर 2 होगा तो ये जनरली नियोन होगा, ये आर्गन होगा, ये क्रिप्टन होगा, ये जेनॉन होगा, ये रेडॉन होगा। पीछे हमने ये चर्चा बताया कि हर एटम जो होती है वह नियरेस्ट नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट जिसको हमने बुलाया कि ऑक्टेट की प्राप्ति के लिए एक एटम दूसरे एटम के साथ केमिकली बॉन्डिंग करते हैं या केमिकली कंबाइन करते हैं। और इस ऑक्टेट के लिए सभी के पास गेन ऑफ एंथैल्पी हाई है तो इलेक्ट्रॉन तो कोई दे दे नहीं, लेकिन सबको एक पास होगा कि हमें ऑक्टेट मिले तो उनके पास एक अगला स्टेप तैयार करते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं। जिसे सपोज किया जाए कि मान लिया जाए कि दो एटम आपका आया है ए बी एटम्स का, ये है किसी एटम्स का सपोज है और मान लिया जाए कि इसके वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये एटम चाहेगा कि वह स्टेबल ऑर्बिट की ओर जाए, तब स्टेबल ऑर्बिट के पास जाए तो ये अपने ही दो एटम्स होमो न्यूक्लियर या हेट्रो न्यूक्लियर ही काम करते हैं। होमो न्यूक्लियर जब काम करेंगे तो ये मेंट मॉलिक्यूल बनेंगे और जब हेट्रो न्यूक्लियर भाग लेंगे तब इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को ऑक्टेव लेना है। ऑक्टेव लेने का मतलब कि यह 8 लेना है, 8 लेना है तो इनके पास एक स्थिति है ये जनरली दो दो इलेक्ट्रॉन का रियल में बोथ इन डायरेक्शन से इक्वल पार्ट में शेयरिंग करें। और जब शेयरिंग करेंगे तो जनरली इनके पास इसको यदि गायन कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 के सारे है, स्टेबल ऑर्बिट हो गया। लेकिन यदि इनको पॉलीगॉन कर दिया जाए तो इनके भी स्टेबल ऑर्बिट हो गया, जब स्टेबल ऑर्बिट हो गया ऐसी स्थिति में क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और ऐसी स्थिति में इस बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और इक्वल पार्ट में हो रही है, इस बॉन्ड को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन एक कंडीशन होगा शेयर जब भी होगा तो चाहे तो वन पेयर का होगा शेयर जो होगा और टू पेयर का होगा, शेयर जब भी होगा तो चाहे थ्री पेयर का होगा। कितने कितने पेयर पर जा रहा है, वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर। वन पेयर मीन्स क्या, दो इलेक्ट्रॉन। टू पेयर मीन्स क्या, चार इलेक्ट्रॉन। थ्री पेयर मीन्स क्या, सिक्स इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वन पेयर का शेयर हो रहा है इसका मतलब कि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। ये जो है टू पेयर का है तो दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। ये थ्री पेयर का शेयर है इसका मतलब कि दोनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग। और इस शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके आधार पर कोवलेंट बॉन्ड
तीन पार्ट में बट जाएगा। एक पार्ट को हम बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तब जब दोनों एटम एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। जब दो एटम इक्वल पार्ट में टू टू इलेक्ट्रॉन यानी वन वन पेयर का शेयर करेंगे तो उस समय वह डबल कोवलेंट बॉन्ड बुलाया जाएगा। और यदि दो एटमों के बीच है ना या टू और मोर देन के बीच यानी जनरल टू के बीच यदि तीन पेयर यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कराई जाती है तो उस समय बनने वाले बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम लोग। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बने लेकिन एक कंडीशन रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड को जनरली उनके बॉन्ड शेयर को नोटेशन करने के लिए एक साइन का प्रयोग करते हैं और साइन जो होती है वह जनरली स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि पेयर ऑफ वन शेयर ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है तो वह जनरली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलता है। जब दो एटम के बीच टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है तो उसका रोटेशन जब भी करते हैं तो डबल स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल लेते हैं। यदि तीन का शेयरिंग होता है तो उसको तीन स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल लाइन का रोटेशन करते हैं। जैसे अब इसको देखा है जनरली मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहा है, इसके अनुसार इस मॉलिक्यूल में एटम का दो है, दो एटम भाग लेना और ऐसी स्थिति में बॉन्डिंग एरिया में टू पेयर का इलेक्ट्रॉन है तो इनको रोटेशन ऑफ के डबल बॉन्ड ये होगा। यहाँ सीधा बता रहे कि हम दोनों के बीच शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पेयर का है इसलिए हम दो को रोटेट कर रहे हैं। देखते एक जनरली एक चीज और ये जनरली उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। कौन फॉर्मूला? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लेकिन यदि ये इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूल का होगा और ये जनरली ये एरिया को यहां से हम डायल कर इस मॉलिक्यूल जो बना है उस मॉलिक्यूल का हम जनरली डॉट फॉर्मूला या लेविस फॉर्मूला क्या बोलेंगे फिर इसी बात को दोहराई जा रही। फिर हम कोवलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होती है तो इलेक्ट्रॉनों के शेयर और इक्वल पार्ट में होती है, इलेक्ट्रॉनों का शेयर जो होती है इक्वल पार्ट में यानी बॉथिंग डायरेक्शन से होती है। दूसरी कंडीशन ये जनरली बॉन्ड उन्हीं के पास बनती है जिनके पास गेन ऑफ एंथैल्पी हाई होती है तो नॉन मेटल के पास गेन ऑफ एंथैल्पी हाई होती है। ये जनरली यानी नॉन आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी भी हाई इनके पास है लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं इसलिए यहाँ हमने नॉन मेटल का बात करें। ये बॉन्ड जब भी फॉर्मेट होगा उसके कंपोनेंट ऑफ एटम या प्रेजेंट ऑफ एटम जो होंगे वह नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच होंगे। उसमें आयनिक बॉन्ड दिखाया था कि एटम मेटल का होगा तो दूसरे नॉन मेटल का होगा लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि सारे के सारे नॉन मेटल टू नॉन मेटल का बॉन्ड फॉर्मेट होगा और यहाँ दोनों एटमों के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग जो होगा किराओं से बराबर बराबर ही से होगा लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा तो तीन तरह का कंडीशन होगा, चाहे तो शेयर वन पेयर का होगा, चाहे तो शेयर टू पेयर का होगा, चाहे तो शेयर थ्री पेयर का होगा।
यदि वन पेयर का शेयर इलेक्ट्रॉन करता है उस समय बनने वाले बॉन्ड को सिंगल कॉवलेंट बॉन्ड बोली जाती है। यदि शेयर दो पेयर का होती है तो इसको उस समय हम डबल कॉवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और यदि वह दोनों के बीच तीन पेयर का शेयर होती है तो हम उसको बोलते हैं कि टू कहलाएगा ट्रिपल कॉवलेंट बॉन्ड। कौन वन ट्रिपल कॉवलेंट। रोटेशन के लिए हम सीधा दिखा रहे हैं कि यदि दो एटमों के बीच वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उसको रोटेशन करने के लिए एक स्मॉलेस्ट छोटी सी क्षैतिज रेखा यानी ओरिएंटल लाइन के बीच दोनों सैंपलों को जोड़ दिया। यदि दो के बीच होती है दो के बीच होती है दो स्मॉलेस्ट, यदि तीन पेयर का होती है और ऐसे स्थिति में इसको हम सिंगल कॉवलेंट बॉन्ड डबल कॉवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कॉवलेंट बॉन्ड। यदि सभी एटमों की बॉन्ड से बॉन्ड जोड़ दी जाती है तो उस समय जो फॉर्मूला बनती है वह जनरली कहलाता है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यदि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को बीच में डाली ही रहती है तो हमने बोला है क्या डॉट फॉर्मूला या लेविस फॉर्मूला। इसे भी सब पूछ किया जाए हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एक कॉन्फिगरेशन टू और क्या सिक्स। इसका मतलब वन कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है वन कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है छह दिखा रहा है आपको दिखा गया आठ और इसके पास केनोफ एंथैल्पी हाई होगा और दोनों एटम का केनोफ एंथैल्पी हाई है तो जनरली इलेक्ट्रॉन तो देंगे नहीं तो इनके पास ऐसा रास्ता निकला वो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग का। दोनों यदि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो दो एटम है तो दोनों एटमों का शेयरिंग क्रिया होने जा रहा है। इनके वैलेंस ऑर्बिट में आठ छह इलेक्ट्रॉन तो इनके वैलेंस ऑर्बिट में छह इलेक्ट्रॉन और ऑप्टर लेने की बात कर रहा है ठीक कर रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन तू हमको दे दो हम शेयर एरिया में डालते हैं। यदि दोनों शेयर एरिया में डालते हैं इसका मतलब ऑक्सीजन का आठ इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग एरिया को नेगलेक्ट कर देना आठ इलेक्ट्रॉन। यदि इस शेयरिंग एरिया को नेगलेक्ट कर दिया जाए इस शेयरिंग एरिया को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो इनके आठ इलेक्ट्रॉन बैलेंस ऑर्बिट में आठ फोर ऑर्बिट का दूर यानी कुल मिलाकर के कंफिगरेशन ऑफ न्यूक्लियॉन की ओर चला गया यानी इनके पास स्टेबिलिटी आ गई और इस तरह जो बॉन्ड बना टू पेयर का है शेयर ऑफ टू पेयर का है तो इनके बीच का रोटेशन किस तरह से होगा टू डबल बॉन्ड फोर ये जनरली ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। और जनरली इसी ऑक्सीजन को यदि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के सैंपल के बीच बीच में नियरेस्ट रख करके नोटेट कर दिया जाए तो इसको डॉट फॉर्मूला या लेविस फॉर्मूला ये जो बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको हम करें स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसको करें क्या डॉट। इस प्रकार हमें एक कंडीशन याद रखना है कि कॉवलेंट बॉन्ड जब भी फॉर्मेट होगा तो नॉन मेटल के पास होगा क्योंकि नॉन मेटल का पास फाइनली गेन ऑफ एंथैल्पी हाई होती है जिसके कारण उनके पास गेन ऑफ एंथैल्पी हाई और एनिगेशन एंथैल्पी भी हाई होती है इसलिए वह इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से ऑक्टेव लेते हैं और उस समय शेयर के इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेट होंगे उसको जनरली हम बोलते हैं कि वह कॉवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ऐसी स्थिति में डिफाइन करने के लिए हम सहारा लेते हैं कि व्हाट इज ए कॉवलेंट बॉन्ड कॉवलेंट बॉन्ड को हम डिफाइन करते हैं द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड द कॉवलेंट द केमिकल Yeah.
सेम और डिफरेंट। यदि हमको बताया कि कवलेंट बॉन्ड जो होती है वह थ्री टाइप्स होती है, ठीक है। ईगो जिसको बताया था अभी, एक पेयर चेयर ऑफ वन पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा तो जनरली वह कहलाएगा सिंगल कवलेंट बॉन्ड। चेयर ऑफ टू पेयर इलेक्ट्रॉन का होगा तो डबल कवलेंट बॉन्ड, और चेयर ऑफ थ्री पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा तो जनरली वह ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आगे चलेगा तो मिलेगा कि कवलेंट बॉन्ड जो होती है वह शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के आधार पर दो टाइप में बटा लेगा। एक को हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे को बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का डिस्कस हम आगे चल करके करेंगे, लेकिन अभी हमने टाइप जो दिखा रहे हैं वह शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिखा रहे हैं। वह तीन प्रकार का हो रहा है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरा डबल कोवलेंट बॉन्ड है, अगर तीसरा जो होगा वह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड आर थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स। नंबर वन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो मेरे पास है वह डबल कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा मेरे पास है वह है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हम डिफाइन किया है क्या, पहले कोवलेंट बॉन्ड डिफाइन किया है। द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आर थ्री टाइप्स, एक नंबर में दे रहे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे नंबर पर दे रहे डबल कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरे दे रहे हुआ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगले वीडियो में हम बारी से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को, डबल कोवलेंट बॉन्ड को और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को देखेंगे। इतने ही भी